सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-212-3494 पर। हमने ये टारगेट भी लिया है कि जो पिछले दो सालों में हम पार्टी के स्थापना दिवस को जिस उत्साह के साथ बढ़ाना चाहते थे नहीं बढ़ा पाए, 2020 में कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 2021 के अंदर किसान आंदोलन की वजह से कई अड़चने रही। इस बार उन परिस्थितियों से भी हम दूर हैं, प्लस अपने आप में एक लैंडमार्क है कि जो हमारा ये चार साल कंप्लीट होने का सफर और पांचवें साल की शुरुआत का सफर है, ये संगठन के अंदर जो कार्यकर्ताओं ने करे उसकी एकता और मजबूती का एक नया दृश्य। दूसरी ओर पर बहुत लंबे समय से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम प्रयासरत थे कि संगठन को मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसी उपलक्ष में आज मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात है कि हमारे तीन सीनियर पुराने साथी जो INLD में रह गए थे और हमेशा एक लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ उनका रहा, पर परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों में वो शायद उस समय हमारे साथ ना आ पाए 5 साल पहले, मगर आज अपना साथ आशीर्वाद देने आए हैं और मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा। मुझे इंट्रोड्यूस करने में शायद मैं तो कमी छोड़ दूं, मगर आप सब बहुत अच्छी बेहतर अच्छी तरह जानते हैं चौधरी भागीराम जी को, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, अनेक बार हरियाणा विधानसभा के 5 बार सदस्य भी रहे, और शायद इनका पॉलिटिकल करियर जो था वो अपने आप इलाहाबाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी दड़बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगती उसके अंदर एक अनुभवी योग्य लेजिस्लेटर के तौर पर इनने अपने आप की छवि दिखाई। वहीं साथ में अशोक वर्मा जी हैं जो हमारे बैकवर्ड कमीशन के मेंबर भी रहे HLRDC के, और साथ में पिछली रानिया विधानसभा से INLD के कैंडिडेट भी थे। वहीं साथ में सुनील चौधरी जी रेवाड़ी से, और इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ युवा में शुरू हुआ और उसके साथ ये जिला अध्यक्ष भी रहे, लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और आज के दिन शायद प्रदेश कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष INLD के हैं। तो तीनों आज अपना साथ आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ, और मैं ये मानता हूं कि ये एक शुरुआत है उस दौर की जहां हमें जो कमजोर करने की तोड़ने की बात किया करते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी ये स्थिति है कि उनके पास संगठन में लोग रोकने की जगह नहीं, और दिन प्रतिदिन संगठन भी निरंतर कमजोर होता जा रहा है, और उसका फ्रस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से आपने टीवी पे मीडिया पे निरंतर देखी है, मगर हमारी सोच एक ही है कि हम मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाएं। एक मैं खास तौर पर आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि हमारी छोटी बहन है दीपाली, ये जिला परिषद का गुड़गांव से जो हमारा आरक्षित महिला वार्ड था उससे चुनाव भी लड़ी और बड़े अच्छे 2000 वोटों के अंतर से वहां से जीत कर आज मेंबर ऑफ जिला परिषद बनी है, और उससे अच्छी चीज ये है कि गुड़गांव की 10 सीटें जो है उसमें महिला आरक्षित जो सीट चेयरमैन की है उसके अंदर महिला SC ही कैंडिडेट उस आरक्षित सीट पे चेयरमैन बन सकती है। तो डी फैक्टो कह लीजिए कि आपके सामने दीपाली जी है जो आगामी
जिला परिषद गुड़गांव की चेयरपर्सन भी बनी। मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ और इंट्रोडक्शन करा तो हमारे दीपचंद जी जो पटौदी विधानसभा से पार्टी की इस तरफ से दीपचंद जी जो पटौदी विधानसभा से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे उनकी बिटिया है, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारा एक साथी जिसको पार्टी ने 3 साल पहले पटौदी की जिम्मेवारी दी थी आज उनकी बेटी आने वाले दिनों में जब भी ओथ के बाद डेट आएगी तो गुड़गांव जिला परिषद की चेयरपर्सन भी बनेगी। विकई साथी पिछले पंचायती राज जिला परिषद चुनावों की बातें कर रहे थे तो मैं एक चीज का तो दावा कर सकता हूँ 21 में तो दावा ठोकेंगे, एक के अंदर हमारे पास आज के दिन भी चेयरपर्सन है और कोशिश यही है कि अगले 9 तारीख तक आपको कई ऐसी जिला परिषद ब्लॉक समितियां और कर दे जिसपे जननायक जनता पार्टी के साथ ही चेयरपर्सन का नेतृत्व भी देने का। मैं 2 मिनट औपचारिक तौर पर पहले ज्वाइनिंग करा दूं फिर आपके कोई सवाल कोई क्वेरी हो तो मैं आई बी हैप्पी टू आंसर इट। ये तो प्रदेश अध्यक्ष का काम है। आपका नाम आपका राज्य।